मौसम समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, यूपी एमपी बिहार सहित इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। आज इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश भर के विभिन्न राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में झमाझम बरसात होने की वजह से मौसम में बदलाव आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज झमाझम बारिश के आसार है। बीते सप्ताह से देश के राज्यों में मॉनसून और प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून दस्तक दे देगा। दक्षिण के राज्यों में मॉनसून के पहुंचने के बाद से लगातार बरसात हो रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश ने कहर बरपा रही है। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 23 जून से 29 जून के बीच मध्य भारत के बाकी हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश तो नहीं होगी। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में आज झमाझम बारिश के आसार है। झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश। झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पाकुड़, साहिबगंज, चतरा, दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, सरायकेला, खरसावा, पश्चिम सिंहभूम जिले के कुछ भागों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने तेज हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेतावनी जारी की है। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 5 दिन का अलर्ट। दक्षिण के राज्यों में मॉनसून के पहुंचने के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश ने कहर बरपा रहा है। असम, मेघालय जैसे राज्यों में बाढ़ से स्थिति खराब हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आज से अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, केरल, माही, कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश होगी। इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु में बरसात होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को पूर्व राजस्थान के जयपुर, कोटा और अजमेर संभागों के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है, जबकि शेष जगह मौसम शुष्क रहेगा। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ बीकानेर संभाग में ही कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है, बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। जिलों की बात करें तो इस दौरान प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, नागौर, चुरू, टोंक, सवाईमाधोपुर, बारां, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। 24 घंटों में इन राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आज भी देश के कई अन्य राज्यों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में भी इस सप्ताह प्री मॉनसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद मॉनसून के आगमन से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पूर्व मध्य प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने बताया कि झारखंड, बिहार और उत्तर पूर्व दिशा में और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के राज्यों में भी तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले अंदाजा लगाया था कि दिल्ली में मॉनसून सामान्य तिथि से 2 दिन पहले यानी 25 जून तक पहुंचेगा। हालांकि अब यह अपने सामान्य समय पर राजधानी से टकराएगा। IMD के मुताबिक मॉनसून 27 जून तक आसपास दिल्ली पहुंचेगा। वैज्ञानिकों ने बताया दिल्ली में फिलहाल प्री मॉनसूनी गतिविधियां बनी हुई है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें।